Hello everyone, welcome to Foresight Education Academy. This is Deepshikha. आज की इस वीडियो में हम वो 25 questions कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले exams और at present जो CGL 2019 प्री के exams चल रहे हैं उनके लिए काफ़ी important हैं. तो चलिए start करते हैं आज की वीडियो. Question number 1, Octopus belongs to the phylum. Octopus किस phylum के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस आर मोलस्का, निदारिया, एक्विनोडर्मेटा या फिर कॉर्डेटा. क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोलस्का. क्वेश्चन नंबर 2, द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शंस आर वॉट पर स्क्वायर मीटर, जूल पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या फिर टेस्ला पर स्क्वायर मीटर. क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वॉट पर स्क्वायर मीटर. क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है. ऑप्शंस आर 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी या फिर 15 फरवरी. तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 13 फरवरी. क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री हैज़ रिमूव द लिस्ट ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्टिंग इंडिया फॉर ट्रेड बेनिफिट्स. किस देश ने भारत को व्यापार लाभ के लिए निर्यात करने वाले देशों की सूची से हटाया है? ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राज़ील या फिर जर्मनी. तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अमेरिका. क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज ऑब्जर्व्ड, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है. ऑप्शंस आर 14 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी या फिर 13 फरवरी. तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 फरवरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, द टाइप्स ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ सोनोमीटर वायर आर, सोनोमीटर तार में पैदा होने वाली तरंगे किस प्रकार की होती हैं? ऑप्शंस आर लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी, अनुदैर्ध्य स्थिर, ट्रांसवर्स स्टेशनरी, अनुप्रस्थ स्थिर, लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव, अनुदैर्ध्य प्रगतिशील या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं. तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांसवर्स स्टेशनरी, अनुप्रस्थ स्थिर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7, हु इज़ गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शंस आर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री या फिर पार्लियामेंट. तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट. क्वेश्चन नंबर 8, The definition of money bill is given in which article of the Constitution of India? Money bill की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? Options are Article 123, Article 110, Article 100 या फिर Article 352. तो question number 8 का right answer है option B, Article 110 यानी अनुच्छेद 110. क्वेश्चन नंबर 9, एपिफाइटिक रूट आर फाउंड इन, एपिफाइटिक जड़ किस में पाए जाते हैं? ऑप्शंस आर इंडियन रबर प्लांट, भारतीय रबर पौधे में, ऑर्किड्स में, अमरबेल में या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से किसी में भी नहीं. तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमरबेल. क्वेश्चन नंबर 10, टिक्स एंड माइट्स आर एक्चुअली, टिक्स और पतंग वास्तव में क्या हैं? ऑप्शंस आर आर्चिन्स, क्रस्टेशियन, इंसेक्ट्स या फिर मायरोपॉड्स. तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्चिन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज डिजीजेस इज कम्युनिकेबल, इनमें से कौन सी बीमारी संचारी है? ऑप्शंस आर कैंसर, हाइपरटेंशन, प्लेग या फिर डायबिटीज, यानी कैंसर, उच्च रक्तचाप, प्लेग या फिर मधुमेह. तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लेग. क्वेश्चन नंबर 12,
विच ऑफ दीज प्लांट्स इज मेनली फाउंड इन डेजर्ट्स, इन पौधों में से कौन सा मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाया जाता है? ऑप्शंस आर ओक, टीक, कैक्टस या फिर यूकेलिप्टस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज ऑफ एथेनॉल, निम्नलिखित में से कौन सा इथेनॉल का उपयोग है? ऑप्शंस आर मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स, विनिर्माण पेंट, इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, मादक पेय में, इन कफ सिरप्स, खांसी की दवाई में या फिर ऑल ऑफ द ऑप्शन, सभी विकल्प सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द ऑप्शन, यानी कि सभी विकल्पों में एथेनॉल का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। एन अमीटर हैज़ डैश रेजिस्टेंस सो दैट इट पासिस मैक्सिमम करंट थ्रू इट। एक अमीटर में डैश प्रतिरोध होता है जिससे यह इसके माध्यम से अधिकतम करंट गुजारता है। ऑप्शंस आर वेरी हाई, बहुत ऊंचा, हाई, उच्च, इनफाइनाइट, अनंत या फिर वेरी लेस, बहुत कम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेरी लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। विच सैटेलाइट इज डेडिकेटेड एज इंडियाज फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी, कौन सा उपग्रह भारत की पहली बहुतरंग धैर्य अंतरिक्ष वैद्यशाला के रूप में समर्पित है? ऑप्शन आर जुगनू, SRM, SAT, एस्ट्रोसेट या फिर सरल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस्ट्रोसेट। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज अ डिजीज ऑफ द लंग, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फेफड़े का रोग है? ऑप्शंस आर एलर्जी, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस या फिर टेटनस। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑप्शंस आर N2, Ni, Na या फिर NO। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, N2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। द स्मेल ऑफ द परफ्यूम रीचेस आवर नोज क्विकली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, इस प्रक्रिया के कारण इत्र की गंध हमारी नाक तक जल्दी पहुंचती है। ऑप्शंस आर कंडेंसेशन, संपेक्षण के द्वारा, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण के द्वारा, फ्यूजन या फिर डिफ्यूजन यानी कि प्रसार के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिफ्यूजन यानी कि प्रसार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अल्कलाइन मेटल, निम्नलिखित में से कौन सी पहली क्षार धातु है? ऑप्शंस आर फ्रैंकियम, लिथियम, सोडियम या फिर हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ द प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम, भारत के राष्ट्रगान को पूरा गाने में कुल कितना समय लगता है? ऑप्शंस आर 47 सेकंड्स, 50 सेकंड्स, 52 सेकंड्स या फिर 60 सेकंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 52 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 21। The salaries and allowances payable to the members of the parliament are decided by the, संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा, कैबिनेट, मंत्रिमंडल के द्वारा, पार्लियामेंट, संसद के द्वारा या फिर फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पार्लियामेंट यानी कि संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। हु सर्टिफाइज अ बिल टू बी अ मनी बिल इन इंडिया, भारत में कौन प्रमाणित करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है? ऑप्शंस आर फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री।
तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 23, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। ऑप्शंस आर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 17। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 24, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी इज सबमिटेड टू, यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट को किसे प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शंस आर द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को, द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को, द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को, या फिर द चेयरमैन ऑफ द यूनियन, संघ के अध्यक्ष को। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 25, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा मौलिक अधिकारों के साथ है। क्वेश्चन नंबर 25 के ऑप्शंस हैं पार्ट वन, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड या फिर पार्ट फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पार्ट थर्ड। तो यहाँ पर हमारे आज के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।